बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को, भाइयों को, बड़ों छोटों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा इलेक्शन का टाइम है, मैं आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूं, मुखातिब हूं, और अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री, अपनी थोड़ी सी टीम की हिस्ट्री, थोड़ा सा इस इलेक्शन के हवाले से बात करूं। बड़ा मज़ेदार ये इलेक्शन का टाइम है और बड़ा अच्छा टाइम है, और बड़ी मुझे खुशी है कि बड़ी मुझे खुशी है कि अल्लाह ने हमें ये आज ये दिन दिखाया है कि इस तरफ हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और मुझे तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इस नए कॉन्स्टिट्यूशन का ऑथर भी मैं हूँ, और अल्लाह पाक ने ये मेरे से रिस्पॉन्सिबिलिटी कराई, और अल्लाह पाक ने जिन दोस्तों ने, जो मेरे दोस्त सागा ग्रुप के सारे दोस्तों ने कॉन्फिडेंस रख कर मुझे आगे किया, और अल्लाह पाक ने मुझे सेक्रेटरी जनरल वहाँ फ़राइज़ अंजाम देने की जसारत दी, और मैं अल्लाह का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने टेन्योर में कोशिश की बड़े छोटों को सबको इकट्ठा कर सकूँ, सबको बिठा सकूँ, यूनियन के लिए अच्छे काम कर सकूँ और एक मिसाली यूनियन बनाने की कोशिश करूँ। मेरा ये विज़न, मेरा मौलन साहब की सपोर्ट के बगैर, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं वो आप कंटेस्ट नहीं कर रहे, उनकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन नहीं था, और अल्लाह पाक ने हमारे क्रेडिट में ये चीज़ें डाली हैं कि आज जो इस यूनियन के पास प्रॉपर ऑफिस नहीं था, आज हमारे पास प्रॉपर ऑफिस है जहां आप दोस्तों को बिठा सकते हैं, उन्हें इज्जत से चाय पानी पिला सकते हैं। हमारा कोई रावियन जो जो के पहले आता था, उसके पास को बैठने की जगह नहीं होती थी, आज उसके पास एक ऑफिस है, बैठने की प्रॉपर जगह है। अल्लाह पाक ने हमारे से ये काम भी कराया, अल्लाह पाक ने हमारे से इस कोविड के बुरे वक्त में इतने अच्छे फंक्शंस करवाए। मैं 100 ईयर सेलिब्रेशंस जो गवर्नमेंट कॉलेज की न्यू हॉस्टल की थी, वो मेरे ख्याल में एक मेमोरेबल इवेंट है। इसी तरह ही और भी जो इवेंट्स हम कर सके हमने किए, और लातादाद फंक्शंस किए जो कि एक स्टैगनेंट यूनियन थी और जिसमें कुछ होता ही नहीं था, तो अल्लाह के फजलो करम से वो भी हमने उसमें बहुत से फंक्शंस किए। और मैं नहायत ही अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ कि आप देखें कि आज हमने इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, जिसका अल्लाह पाक ने मुझे ऑथर बनाया, जिसमें अल्लाह पाक की मेरे पे खसूसी मेहरबानी है कि मेरे हाथ से ये लिखा हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमने माइनॉरिटीज़ को सीट दी है जो कि पहले नहीं अवेलेबल थी। और आप देखें, जब आपकी एक पिक्चर लगेगी उसके अंदर एक सिख या एक कोई हिंदू या कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का नुमाइंदा खड़ा होगा, तो वो पूरी दुनिया में क्या अच्छा इमेज देगा। और सबसे बड़ी बात कि आज तक हमारी यूनियन में स्पेशल पर्सन्स के लिए कोई सीट नहीं थी, हमने वो सीट भी क्रिएट की, और वो सीट क्रिएट करने का मकसद सिर्फ ये था कि यार अल्लाह पाक के सामने हम सुरखरू हो सकें, अपने दोस्तों के सामने, अपने इस रावियन फैमिली के सामने सुरखरू हो सकें। कि वो लोग, आपको शायद मेरे से ज़्यादा पता होगा कि इस वक्त तकरीबन 350 स्पेशल पर्सन हमारे जीसी में पढ़ रहे हैं, तो पर उनकी नुमाइंदगी कोई नहीं है, उनको हमने वापस बुलाने के लिए ये एक सीट क्रिएट की है, और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है इस हवाले से भी कि आप देखें कि ये जो हमारा अलाइंस हुआ है गैलेक्सी टीम के साथ और एसएसपी जहाज़ेब साहब को जो हम लेकर आ रहे हैं अपने साथ पैनल में, वो नहायत ही अच्छे इंसान हैं और एक अच्छे विजन के साथ आए हैं, और वो यूनियन और ओल्ड रावियंस के लिए, जीसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप उनका, हमारा ब्रोशर पढ़े, उसके अंदर आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हम जो करना चाह रहे हैं वो हो रही हैं, और आप देखेंगे कि आप एक बड़ा अच्छा फ्यूचर देखेंगे ओल्ड रावियन यूनियन का, आप एक बहुत अच्छा फ्यूचर देखेंगे कि जिसके अंदर हम उनकी लीडरशिप के अंदर बहुत से ऐसे काम करेंगे जिसमें रावियंस को बेनिफिट होगा, हमारे गवर्नमेंट कॉलेज को बेनिफिट होगा, और एक बेहतर यूनियन और बेहतर उसकी तरफ हम चल रहे हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब अपना, अपने जाने वालों का, सबका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।